एनआईए की टीम ने सिमी के वकील को हिरासत में ले लिया है। सिमी के वकील नईम खान को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि सिविल लाइन के सुप्रीम प्लाजा से इसको हिरासत में ले लिया गया है। अबू सलेम की ये वकालत किया करता था। आपको बता दें कि सिमी से जुड़े संदिग्धों की भी ये वकालत कर चुका है। तो फ्लैट नंबर 503 में ये रहता था और एनआईए की टीम ने दो युवकों को फिलहाल छोड़ दिया है। इन दो युवकों की अगर हम बात करें जिनको एनआईए ने छोड़ा है, इनसे भी पूछताछ की गई है, जिनका नाम शाहिद और बिलाल बताया जा रहा है। तो देखिए, जबलपुर में एनआईए की टीम बीती रात 10 बजे से लगातार कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है और देखिए इलाके में सर्चिंग भी चल रही है। और अब एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है जिसके तहत एनआईए की टीम ने सिमी के वकील को हिरासत में ले लिया है। तो सिमी के वकील के नाम नईम खान बताया जा रहा है, जिसको फिलहाल हिरासत में लिया गया और अब इससे पूछताछ की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए बड़ी बात यह है कि ये अबू सलेम की भी वकालत कर चुका है, बीती रात से लगातार कार्रवाई की जा रही है, अब इसे हिरासत में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। बेशक ऋतु, आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए एक बड़ा मॉड्यूल जो आईएसआई द्वारा तैयार किया जा रहा था, उसको बड़े मॉड्यूल को ध्वस्त करने में कामयाब रही। लगभग सारी गिरफ्तारियां हो चुकी है। यह एनआईए अपना कल लगभग 15 से 20 दिनों पहले से ये कार्रवाई कर रही थी कि जो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई थी। इसके बाद यहाँ से एक आदिल नाम का व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पे यानी उससे पूछताछ हुई थी, उसके बाद से ही इस बड़ी बात का खुलासा हुआ रहा कि क्योंकि आईएसआई का जो मॉड्यूल है वो पिछले 2 सालों से शांत बैठा हुआ रहा, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं था। लेकिन जब आदिल की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से आईएसआई का एक मूवमेंट समझ में आता है कि आईएसआई कहीं ना कहीं एक सोशल वॉर के मूड में है, एक फिजिकल वॉर के मूड में है। जब आदिल से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पे तमाम लोगों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की। जबलपुर में भी 13 जगहों पे कल जो है एनआईए की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इसमें खासतौर पे ओमती क्षेत्र में रहने वाले लड़के हैं, उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई की। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी जो है एनआईए कर चुका है, लगभग 7 लोग, जिसमें 2 लोग बिलाल को और एक अन्य लड़के को जो है एनआईए ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। 5 लोग जो है और भी इस मामले को लेकर के एनआईए की पूछताछ के रडार में। एक वकील नईम खान, जो इससे पहले भी सिमी के मामलों में केस लड़ चुका है, सिमी के जो सिमी संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उसके जो आरोपी बनाए थे, पकड़े गए थे, अरेस्ट हुए थे, उनके लिए भी कोर्ट में वह जिरह कर चुका है। उसके बाद अबू सलेम जो है अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के लिए भी वो जो है जिरह कर चुका है, यानी उसके तरफ से कोर्ट में खड़ा हो चुका है। तो इन तमाम उसके बाद भी कहीं ना कहीं इस वकील का भी जो है नाम सामने आया, जिसके बाद एनआईए ने इसको लगभग 11 बजे अपने घर से जो है गिरफ्तार खान को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। और जाहिर सी बात है कि पूछताछ होगी तो इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नजरें बनाए रखिएगा अमित, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।